हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेन क्लैन के बाकी लोग निये क्लैन में थे, वो लोग निये मिंजुए के बंदी थे एंड एक महीने के ट्रायल में थे। एक महीने बाद उनके ऊपर डिसीशन लिया जाएगा। बट ये मेंग्या उन्हें मैसेज भेजा कि जब वो लोग जिन क्लैन में बंदी थे तब उनमें से एक या फिर कुछ वेन्स ने जिन सोल्जर्स के ऊपर हमला किया था, उसके साथ साथ सिविलियंस के ऊपर भी हमला किया था, जिसके वजह से जिन जिशुन भी घायल हो चुका है एंड उसके वजह से जिन गुआंगशान बहुत जल्दी, तीन दिनों के अंदर निये क्लैन में आ रहा है ताकि वो लोग वेन्स को लेकर डिसीशन ले सके। ज़ेबुचुर ने कहा कि वो लोग शायद वेनचिंग एंड वेनिंग को बचा लेंगे बट शायद वो लोग बाकी लोगों को बचा नहीं पाएंगे। ये सुनकर विंग बहुत ही गुस्सा हो गया। तब उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि जब जियांग चैंग एंड वेनचिंग दूसरे को पसंद करते हैं तो उन दोनों की शादी कर लेना ही बेहतर होगा। तभी लंजन ने विंग को समझाया कि विंग जियांग चैंग को लेकर श्योर है बट उसे नहीं पता कि वेनचिंग जियांग चैंग को पसंद करता भी है या नहीं। जैसे कि विंग जियांग चैंग का भाई है, वैसे भी वेनचिंग का भी एक भाई है, तो विंग को उससे पूछना चाहिए। ये सुनकर विंग बहुत ही हैप्पी हो गया एंड वो चला गया वेनिंग के पास। उसने वेनिंग से इस बारे में पूछा तो वेनिंग ने कहा कि उसे लगता है कि शायद उसका बहन जियांग चैंग से प्यार करता है बट वो श्योर नहीं है। ये सुनकर विंग सैड हो गया क्योंकि उसके पास कोई भी श्योर आंसर नहीं था। वो सैड होकर अपने रूम पे चला आया। आते वक्त उसने जियांग चैंग से भी बात की एंड जियांग चैंग ने क्लियरली बता दिया कि वो विंग के चाइल्डिश प्लान में नहीं है। विंग बहुत ही सैड था एंड उसे सैड देख के लंजन को भी नर्वस फील हो रहा था, उसे भी बुरा लग रहा था। वो लोग देख पा रहे थे कि वेनचिंग उन लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही उनसे बात करती हैं, अदरवाइज वो उन लोगों को अवॉइड कर रही हैं। आज जियान याली एंड नियोसन भी लंजन विंग के रूम पे थे एंड वो लोग इस प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। याली ने कहा, आशियान, हम अच्छे से जानते हैं कि पॉलिटिकली फोर्स्ड मैरिज का नतीजा क्या होता है। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ सीजीए, बट ये केस वैसा नहीं है। हाँ, सिचुएशन की वजह से ये सब ऐसा लग रहा है बट डीप डाउन हम सब जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर ये प्लान काम कर गया तो एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। निया हुसैन ने कहा, मैं वेगोंसा के बात को मानता हूँ, वो सही कह रही हैं, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर लेडी वेन ने जियांग शियांग के साथ शादी कर लिया तो जिन गुआंगशान और कुछ भी नहीं बोल पाएगा एंड ये प्रूव हो जाएगा कि लेडी वेन जियांग क्लैन के लिए लॉयल हैं क्योंकि वो सिख लीडर की वाइफ बन जाएंगी एंड ऑफ कोर्स उनका भाई वहाँ का डिसिपल बन जाएगा। ये सुनकर वेन ने नियोसिंग की तरफ देखा। वो सोच रहा था, आफ्टर ऑल उसका स्टूपिड फ्रेंड सच में स्टूपिड नहीं है। याली ने कहा, एंड बाकी वेन्स का क्या, उनका क्या होगा? ये सुनते सब लोग साइलेंट हो गए। याली ने कहा, सिख लीडर जिन शायद वेनचिंग एंड उसके भाई को जीने भी देंगे बट बाकी वेन्स को वो नहीं छोड़ेंगे। तभी नियोसन ने कहा, क्यों ना अभी हम जियांग शियांग एंड लेडी वेन के शादी के बारे में डिस्कस करें एंड उस पर ही फोकस करें, बाकी का चीज़ें बाद में देखा जाएगा। याली ने कहा, ठीक है, मैं आचिंग से बात करता हूँ एंड आशियान तुम लेडी वेन के पास जाओ एंड उससे शांत होकर बात करो, टीज मत करना। विंग ने कहा, ठीक है सीजिए। विंग सोच रहा था कि बस दो दिनों के अंदर ही जिन गुआंगशान यहाँ पर आ जाएगा, उससे पहले उन लोगों को सारा काम कर लेना है, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। बाहर बहुत बारिश हो रही थी जब विंग वेनचिंग को ढूंढ रहा था। वो वेनचिंग के रूम पे गया बट वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना वेनचिंग और ना ही उसका भाई। इनफैक्ट उस रूम को निये गार्ड्स भी गार्ड नहीं दे रहे थे। विंग को बहुत ही ऑड लगा तो वो कॉरिडोर के एंड तक जाने लगा एंड तभी उसे कुछ डार्क फिगर मूव करते हुए दिखा एंड उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई मैन रो रहा है एंड उसके साथ साथ विंग को वाइफ के लाउड नॉइज भी सुनाई दे रहा था। ये देखते ही विंग का गुस्सा अब बढ़ने लगा, उसने चेंचिंग को टाइटली पकड़ लिया एंड वो उस नॉइज की तरफ दौड़ने लगा। वो जितना पास जा रहा था नॉइज उतना ही लाउड होते जा रहा था। तभी विंग को फ्लोर पे एक फैमिलियर फिगर दिखा एंड वो और कोई नहीं वेनिंग था। उसे देखकर ही विंग चिल्ला कर उठा। उसने वेनिंग को बुलाया बट वेनिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वेनिंग फ्लोर पे पड़ा हुआ था एंड उसके हेड से ब्लड निकल रहा था। विंग ने वेनिंग को बहुत बुलाया
बट वेंडिंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी विंग ने वेंडिंग के पल्स चेक किया एंड थैंकफुली वेंडिंग जिंदा था। तो विंग ने वेंडिंग को अपने शोल्डर पर उठाया एंड वो दौड़ के वेंडिंग के रूम पर चला गया एंड वेंडिंग को वहाँ पर ही शिफ्ट कर दिया। उसने गार्ड को बोला वेंडिंग के ऊपर नज़र रखने के लिए। देन विंग अपने बहन के पास चला गया। उसने कहा सीजीए मुझे पता नहीं क्या हुआ है बट वेंडिंग रूम के अंदर है एंड उसको ब्लीडिंग हो रहा है। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, मैं वेंडिंग को बुलाकर लाता हूँ, आप वेंडिंग के पास रहिए एंड उसका ख्याल रखिए। ये बोल के विंग बारिश में भीगते हुए वेंडिंग को ढूंढने लगा। वो हर तरफ वेंडिंग को ढूंढने लगा बट वेंडिंग कहीं पर भी नहीं था। देन विंग फिर से वहाँ पर चला गया जहाँ से नॉइस आ रही थी, रोने की आवाज़ आ रही थी, वही कैंप जहाँ पर वेंस बंदी हैं। विंग ने देखा कि चार नियर गार्ड्स उस जगह को गार्ड दे रहे हैं। विंग ने कहा मुझे अंदर जाने दो। गार्ड्स ने कहा यंग मास्टर वी, हमें ऑर्डर दिया गया है कि हम किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते। तभी विंग को एक और वाइफ का साउंड सुनाई दिया एंड विंग का पेशेंस अब चला गया क्योंकि अंदर से लोग चिल्लाकर बोल रहे थे हमें छोड़ दो। विंग ने इमीडिएटली अपने चेंजिंग को अपने माउथ पे लिया एंड वो प्ले करने लगा एंड इमीडिएटली वहाँ पे रिजनफुल एनर्जी आ गए एंड वो एनर्जीज गार्ड्स के ऊपर हमला करने लगे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा हम तुमसे डरते नहीं हैं, बट वो लिटरली सफ़र कर रहा था। फाइनली जब रिजनफुल एनर्जी ने सारे गार्ड्स को नीचे गिरा दिया, विंग ने किक से दरवाज़ा ओपन किया एंड वो रूम के अंदर गया एंड रूम के अंदर जाते ही वो शॉक्ड हो गया। उसने देखा कि एक नियर सोल्जर के हाथ में व्हिप था, उसने उसे ऊपर किया था मारने के लिए एंड उसके नीचे फ्लोर पे एक ओल्ड मैन पड़े हुए हैं जिसके ऊपर वो सोल्जर व्हिप मार रहा था। वो ओल्ड मैन रो रहे हैं, उनके बॉडी से ब्लड निकल रहा है, उनका कपड़ा बिल्कुल फाड़ चुका है, वो बुरी तरीके से व्हिप से घायल हैं। देन विंग ने पूरे रूम को देखा, तभी उसने वेंचिंग को देखा। वेंचिंग के हाथ में एक छोटा सा चाइल्ड था जो कि एक इन्फेंट था, ब्लड से कवर्ड था। वो चाइल्ड रो नहीं रहा था एंड उसी के सामने फ्लोर पे एक लेडी पड़ी हुई थी, साइलेंटली रो रही थी। तभी एक गार्ड ने चिल्लाकर पूछा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग ने देखा वो ओल्ड मैन जो फ्लोर पे पड़े हुए थे वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो हिल नहीं पा रहे। विंग को बहुत गुस्सा आ गया, उसने गार्ड के ऊपर हमला किया। गार्ड ने भी बहुत कोशिश की अपने आप को डिफेंड करने का, वो भी विंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा बट विंग ने फ्लूट प्ले किया एंड रिसर्वर एनर्जी आ गया एंड रिसर्वर एनर्जी ने उस गार्ड को फ्लोर पे पिन कर दिया एंड विंग उसके फेस पे कंटिन्यू पंच किए जा रहा था। एक टाइम के बाद वो गार्ड फ्लोर पे ही मारा गया बट विंग अभी तक नहीं रुका, वो अभी तक पंच किए जा रहा था। तभी विंचिंग ने चिल्ला कर कहा वी वुशियान बहुत हुआ, वो मर चुका है। जब विंग ने देखा कि वो मर चुका है तब जाके विंग ने उसे छोड़ा। उसने पूरे रूम की तरफ देखा एंड वेंचिंग से पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे। उसने वेंचिंग के हाथ में वो चाइल्ड को देखा और पूछा ये चाइल्ड। वेंचिंग ने रोते हुए कहा ये लेडी, ये प्रेग्नेंट थी, इसको लेबर पेन हुआ था, इन गार्ड्स ने किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया, एक अंकल किसी तरीके से यहाँ से भाग निकले एंड उन्होंने मुझे ढूंढा एंड देन उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। विंग ने कहा कैंप के अंदर प्रेग्नेंट लेडी थी। विंग देख पा रहा था कि वेंचिंग का उसे कंटिन्यू आंसू निकले जा रहा है। वेंचिंग ने कहा हमें जाना होगा वी वुशियान, प्लीज़ किसी को बताना मत, मैं इन लोगों को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। आनिंग मेरा भाई वो कहाँ पर है, वो तुम्हें ढूंढने के लिए गया था, उसे लगा था कि शायद तुम हमें हेल्प कर पाओगे। विंग ने कहा वो इंजर्ड है, मैं उसे तुम्हारे रूम पर रख कर आया हूँ एंड मेरा सीजी उसका ख्याल रख रही है, चिंता मत करो उसे कुछ भी नहीं होगा। ये चाइल्ड ये कैसा है, वेंचिंग ने चिल्ला कर कहा वी वुशियान इसका डेथ भी हो सकता था, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे, ये बेबी इसकी माँ ऑलरेडी लेबर पेन में थी, ये ऑलरेडी जन्म दे रही थी, वो भी अकेली, कुछ भी हो सकता था, इसकी मौत भी हो सकती थी, ये लोग इसे हेल्प ही नहीं करने दे रहे थे। ये सुनकर विंग का दिल टूट रहा था पर इससे पहले वो कुछ बोल पाता या फिर समझ पाता दरवाजे पे आवाज़ हुआ जोर से एंड सब लोग फिर से डर गए। तो विंग ने कहा चलो यहाँ से, मैं तुम्हें निकलने में हेल्प करूँगा। ये बोल के विंग सबको लेकर दरवाजे के बाहर गया।
तभी वहां पर लंजा आया। उसने चिल्लाकर कहा, विंग। बुल विंग के पास दौड़ के आना चाहता था, बट जेबोचुन उसे पकड़ के रखा था। एंड बारिश भी हो रही थी जोर जोर से। वहां पर जियांग चैंग भी था। जियांग चैंग ने पूछा, विवुशियान, तुम ये कर क्या रहे हो? ये सब क्या है? वहां पर जोर जोर से बारिश हो रही थी, लाइटिंग हो रहा था। विंग ने सबके फेस की तरफ देखा एंड देन विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा जो कि रो रहा था एंड लंजा को रोते हुए देख के विंग आंखों से भी आंसू निकल रहा था। जेबोचुन ने विंग से कहा, वो लोग एक महीने के लिए अपने ट्रायल के लिए वेट कर रहे हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है? एंड फाइनली विंग का नज़र जेबोचुन के ऊपर गया। विंग ने कहा, आपका मतलब वो लोग अपने डेथ के लिए वेट कर रहे हैं? सेग्रेडा लान कैंप के अंदर एक प्रेग्नेंट वेमेन थी। ये सुनते सब लोग शॉक्ड हो गए, स्पेशली जेबोचुन एंड जियांग चैंग। जेबोचुन ने जियांग चैंग की तरफ देखा और पूछा, एक प्रेग्नेंट लेडी? जियांग चैंग ने अपने हेड को शेक किया क्योंकि उसे भी पता नहीं था। वो भी कंफ्यूज था, शॉक्ड था। उसने चिल्लाकर पूछा, हुआ क्या है? तभी वहां से वेंचिंग निकली अपने हाथ में एक छोटे से बच्चे को लेकर। एंड उसे देखते ही जेबोचुन के लंजे के ऊपर ग्रिप लूज हो गया। एंड लंजे ने इमीडिएटली अपने आप को जेबोचुन से छुड़ाया एंड वो विंग की तरफ जाने लगा। उसका अम्ब्रेला नीचे गिर गया। उसने कहा, विंग। ये बोलकर वो विंग के पास आने लगा, बट वो मीट रास्ते में ही रुक गया क्योंकि विंग ने चिल्ला कर कहा, ये चाइल्ड ऑलमोस्ट मार आ जाता, इसकी माँ का भी डेथ होने वाला था। लंजा, वो दोनों ही मारे जाते। ये बोलते हुए विंग रो रहा था। ये सुनते लंजा अपने रास्ते में ही फ्रीज हो गया। उसने उस चाइल्ड की तरफ देखा जो विंचिंग के बाहों में थी। जब लंजा ने कोई मूव नहीं किया, विंग ने कहा, हम जा रहे हैं। ये सुनते लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, जा रहे हो? ये बोल के वो विंग के पास आ गया, उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, जा रहे हो? विंग ने चिल्ला कर कहा, हाँ, अदरवाइज ये लोग यहाँ पे मारे जाएंगे एंड मैं ये होने नहीं दे सकता। अगर ये आज नहीं तो कल हो जाएगा एंड मैं ये होने नहीं दूंगा। लंजा ने कहा, नहीं नहीं विंग, तुम ऐसा नहीं। तभी विंग ने कहा, लंजा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझे किल करना होगा। ये सुनते ही लंजा ने कहा, विंग। जियांग चैन ने कहा, वी वुशियान। जेबोचुन ने कहा, यंग मास्टर वी, वैसे निये क्लैन के बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते। आई एम श्योर सिलर निये को ये सब पता नहीं था, अदरवाइज वो ये सब होने नहीं देते। और ना ही सिगरेट जियांग को पता था और ना ही मुझे पता था। हम ये सब डिस्कस कर सकते हैं। बट विंग ने जेबोचुन की तरफ नहीं देखा, उसका नज़र सिर्फ लंजा के ऊपर था। विंग ने कहा, लंजा, तुम्हें याद है ना हमने क्या प्रॉमिस किया था? कि मैं ऑलवेज जस्टिस के साथ खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, विदाउट एनी रिग्रेट्स। एंड हमने कोशिश की थी लंजा, है ना? इनफैक्ट हमने एक रास्ता भी ढूंढ लिया था। इनफैक्ट हमने एक रास्ता भी ढूंढ लिया है वेंचिंग एंड वेनिंग के लिए। बट बाकी लोगों का क्या? ये लोग हार्मलेस है, डिफेंसलेस है, इन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा? इन लोगों को उसके लिए सफर करना पड़ रहा है जो उनका सेग लीडर था, जो कि पावर हंग्री था। एंड उसके वजह से हम इन्हें एक और पावर हंग्री के हाथ में देने जा रहे हैं। तुम समझ सकते हो ना मेरी बात को? लंजा ने कहा, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर तुम अभी चले गए तो तुम टर्न बैक नहीं कर सकते विंग। ये बोलते हुए लंजा रो रहा था एंड विंग के हाथ को टाइटली पकड़ रहा था। विंग ने चिल्ला कर कहा, और कोई रास्ता नहीं है? लंजा ने कहा, विंग प्लीज। तभी वेंचिंग ने कहा, विभीषण को हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमें जाने देंगे तो मैं सबको लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। तभी विंग ने कहा, नहीं, तुम लोग अकेले सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तभी जियांग चैन ने चिल्ला कर कहा, कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। जेबोचुन ने कहा, हम सेलेडर निये से बात करेंगे, अगर हम उन्हें प्रूफ कर दे कि ये लोग हार्मलेस है तो आई एम श्योर सेलेडर जिन भी हमारी बात मानेंगे एंड समझेंगे। विंग ने डिमांड करते हुए कहा, सच में? क्या आप श्योर हैं जेबोचुन? तभी वहां पर बहुत सारे निये गार्ड्स आ गए। उन लोगों ने विंग का एंड बाकी सबको घेर लिया। इससे पहले वो लोग उन लोगों के पास आ पाते, लंजा विंग के सामने आकर खड़ा हो गया उसे गार्ड करते हुए। देन लंजा ने अपने बीचन को अनसील किया।
एन गार्ड्स की तरफ पॉइंटिंग किया। ये देखते ही विंग शॉक्ड हो गया। उसने लंजा को पुश करने की कोशिश किया, पर लंजा हिला तक नहीं। विंग ने कहा, लंजा नहीं तुम। तभी जेवजू ने चिल्लाकर कहा, वांग जी। जेंगजन ने कहा, वेंचिंग उस बच्चे को एंड उसके माँ को लेकर मेरे क्वार्टर के पास गेस्ट रूम पे लेकर जाओ। विवुशियान तू अपने रूम पे वापस जाओ, हम इस बारे में कल बात करेंगे। विंग ने कहा, जियांग चैंग। जेंगजन ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो एंड वही करो जो मैं कह रहा हूँ। एंड मैं तुम्हारे आइडिया वो शादी का उससे मैं एग्री करता हूँ। एंड बाकी के बाद हम कल डिस्कस करेंगे। जस्ट वही करो जो मैं कह रहा हूँ। जेवजुन ने बाकी निये गार्ड से कहा, सारे विंग्स को कोर्टयार्ड में रिलोकेट करो एंड लान क्लान के डॉक्टर्स को उनके पास भेजो इलाज के लिए। मैं सिलेंडर निये से बात कर रहा हूँ। जेवजुन ने कमन तो दे दिया बट कोई भी गार्ड कुछ भी नहीं कर रहा था। ये देख के कहीं से नियोसेन ने कहा, तुम लोग अभी तक खड़े क्यों हो? सिचिंगा का बात सुनो एंड ऑर्डर को फॉलो करो। नियोसेन के वॉइस सुनकर विंग सरप्राइज हो गया। उसे पता भी नहीं था कि यहाँ पर नियोसेन भी है। एनीवेज जब उसने देखा कि गार्ड्स नियोसेन के बात को फॉलो कर रहे हैं तब उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। सब लोग वहां से चले गए सिवाय लंजा विंग एंड जेवजुन के। जाने से पहले जेवजुन लंजा के पास आए। उन्होंने कहा, वांग जी मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसे याद रखना एंड उसके बारे में सोचना। ये बोलकर जेवजुन ने विंग की तरफ देखा एंड देन वो भी वहां से चले गए। दे लंजा एंड विंग एक दूसरे के हाथ पकड़ के साइलेंटली अपने रूम की तरफ आने लगे। कुछ टाइम बाद वो लोग रूम पे तो आ गए बट उन लोगों ने अभी तक एक दूसरे के हाथ को छोड़ा नहीं था। देन फाइनली विंग ने अपने हाथ को लंजा के हाथ से अलग किया। उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था। लंजा का हाथ पैर कांप रहा था बट वो विंग की तरफ देख नहीं रहा था। वो वहां पर ही खड़ा था। वो दोनों ही भीगे हुए थे। उसे याद आ रहा था कि अभी भी एक्चुअली हुआ क्या। वो लोग रेन में थे, भीग रहे थे एंड वो विंग से अपने प्यार से प्लीट कर रहा था ताकि वो ना जाए, वो उसे छोड़ के ना जाए। वहाँ पर बहुत सारे लोग बट लंजा का फोकस सिर्फ विंग के ऊपर था, उसके डिसीजन के ऊपर था क्योंकि उसका पूरा वर्ल्ड टूट रहा था। उसे वो बच्चा याद आ रहा था जो वेंजिंग के बाहों में थी, जिसका डेथ होने वाला था उसकी माँ के साथ। वो सोच रहा था उस बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए एंड बाकी वेंस के लिए विंग सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी था। अपना सेक्ट, अपना फैमिली, लांग वांग जी, इनफैक्ट उसके बेबी तक को। वो ये सोच ही रहा था तभी विंग ने कहा, लंजा तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। लंजा ने विंग की वॉइस तो सुना बट वो मूव नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था कि विंग एक सही काम करना चाहता था बट अगर लंजा उसे ढूंढने के लिए नहीं निकलता, अगर लंजा उसे ढूंढ नहीं पाता तो क्या विंग उसे बिना बताए चला जाता? ये सोचते हुए लंजा ने कहा, विंग अगर हम तुम्हें नहीं ढूंढते तो क्या तुम मुझे बिना बताए चले जाते? ये बोल के लंजा ने फाइनली विंग की तरफ देखा। लंजा सोच रहा था, कुछ टाइम पहले तक लंजा एंड विंग एक दूसरे के बहुत ही करीब थे, रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे। विंग लंजा की तरफ कितना लव, कितना अटेंशन पे कर रहा था एंड अब वो लोग रूम के बीचों बीच खड़े हैं, भीगे हुए, उनके आंखों से आंसू निकल रहा है एंड विंग कुछ टाइम पहले लंजा को छोड़कर जाने वाला था। लंजा ने विंग के फेस को ध्यान से देखा। लंजा के फेस में वरी था, फियर था। तभी विंग लंजा के पास आया। उसने लंजा के फेस पे अपना हाथ रखा और कहा, लंजा नहीं मैं तब किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहा था मैं तो। तभी लंजा ने कहा, किसी और चीज़? ये बोल के लंजा विंग से अलग हो गया एंड दो स्टेप पीछे चला गया। लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे चाइल्ड को कैरी कर रहा हूँ एंड तुम कह रहे हो किसी और चीज़? लंजा के अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे थे। तभी विंग ने कहा, मैं जानता हूँ लंजा बट वो चाइल्ड, वो छोटा सा बच्चा एंड उसका माँ। लंजा ने फिर से रिपीट किया। उसने कहा, विंग क्या तुम मुझे बिना बताए जाने वाले थे? विंग ने कहा, लंजा मैं तब कुछ भी नहीं सोच रहा था। मैंने तुम्हें बताया ना उन लोगों को वेपिंग किया जा रहा था, वो लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। उन लोगों ने उस लेडी को हेल्प तक नहीं किया, एक लेडी जो कि बर्थ देने वाली थी।
तब मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं आया सिवाय उनके मुक्ति के। मुझे उन्हें किस तरीके से रेस्क्यू करना था। ये बोलते हुए विंग डेस्परेट हो रहा था। उसने रंजय के शोल्डर को पकड़ा एंड अपने करीब खींचा। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा लंजा, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, एंड ऐसा एक भी पल नहीं है जब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। जब मैंने उस लेडी को देखा, उस चाइल्ड को देखा, मेरे मन में फर्स्ट थॉट यही आया कि अगर वो लेडी तुम होते एंड वो चाइल्ड हमारा चाइल्ड होता तो। ये बोलते हुए विंग रो रहा था। उसने कहा, अगर हम ये वॉर नहीं जीतते तो ओ माय गॉड, तो उस लेडी की जगह तुम भी हो सकते थे लंजा। ये बोलते हुए विंग रो रहा था। ये देख के लंजा ने कहा, तभी विंग ने कहा, लंजा मैं नहीं जानता कि तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए मैं तुम्हारे पास आता या फिर नहीं, पर जैसे कि तुमने कहा था कि अगर मैं चला गया तो मैं टर्न बैक नहीं कर सकता, एंड मैं करते भी क्या, क्योंकि मेरे मन में जाने के लिए कोई जगह नहीं था, तो मैं तुम्हें एंड हमारे चाइल्ड को मेरे साथ स्ट्रगल नहीं करने दे सकता था। ये बोलते हुए विंग बुरी तरीके से रो रहा था। लंजा ने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग ने भी लंजा को रैप कर लिया एंड वो लंजा के बाहों में रोने लगा। लंजा ने कहा, इट्स ओके, अब वो लोग सेफ है, वो मदर एंड चाइल्ड, वो सब लोग सेफ है। विंग ने लंजा को टाइटली हग किया और कहा, आई लव यू लंजा। लंजा ने कहा, आई लव यू विंग। दिन कुछ टाइम बाद लंजा ने नहा लिया एंड अपने कपड़े चेंज कर लिया। अब लंजा मिरर के सामने अपने हेयर को ड्राई कर रहा था एंड विंग स्क्रीन के उस पार नहा रहा था। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ एंड लंजा शॉक्ड हो गया, क्योंकि अभी लिटरली मिडनाइट हो चुका था। लंजा सोच रहा था, अभी कौन आया होगा। उसने दरवाज़ा ओपन किया तो दरवाजे पे जियांग चंग खड़ा था, उसका ऑल टाइम फेवरेट गुस्से वाले फेस को लेकर। लंजा ने कहा, विंग नहा रहा है। जियांग चंग ने कहा, मैं यहाँ पर उसके लिए नहीं आया हूँ। ये सुनकर लंजा कन्फ्यूज हो गया तो जियांग चंग ने कहा, आज रात उसे रूम से बाहर नहीं निकलने देना। ये सुनकर लंजा ने कुछ कहा नहीं तो जियांग चंग ने कहा, वेंचिंग ऑलरेडी बहुत ही वरीड है, वो अपने भाई को ट्रीट कर रही है, बट शायद वो लोग फिर से रात को कोशिश करेंगे भागने का। ये बोल के जियांग चंग वहाँ से चला गया। लंजा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी विंग स्क्रीन के उस पार से बाहर आया। उसने कहा, इस वक्त कौन आया था। जैसे लंजा ने विंग की तरफ देखा वो शॉक्ड हो गया। उसने एक शॉकिंग आवाज़ किया, क्योंकि विंग अपने ब्लैक आउटर रूप में था जो कि लूजली टायर्ड था। उसके चेस्ट से लेकर बेली तक सब कुछ विजिबल था एंड लंजा का आईज सिर्फ विंग के बॉडी के ऊपर था। विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड स्मिक करते हुए कहा, व्यू अच्छा लगा लंजा। ये सुनते लंजा अपने सेंस में वापस आया। उसने कहा, शेमलेस। ये बोल के लंजा अपने हेयर को ड्राई करने लगा। तभी विंग लंजा के पास आया। वो लंजा के पीछे आकर खड़ा हो गया। वो दोनों ही मिरर में साफ दिख रहे थे एंड मिरर में विंग का चेस्ट साफ विजिबल था। देन विंग लंजा के बहुत ही क्लोज आया। उसने अपना नेकेड चेस्ट को लंजा के बैक में टच किया एंड लंजा का हाथ इमीडिएटली फ्रीज हो गया। लंजा खुद दो लेयर के क्लोथ्स में था। वो विंग के बॉडी के हीट को फील कर पा रहा था। विंग ने पीछे से अपने हाथ को लंजा के बेली के ऊपर रखा और कहा, लंजा मैं हमारे बेबी से मिलना चाहता हूँ। ये बोलकर विंग ने लंजा के नेक में किस किया। लंजा के अंदर से कोई वॉइस नहीं आ रहा था तो उसने सिर्फ नोट किया। देन उसने अपने आउटर रोब को अनटाई किया। विंग लंजा के सामने आया एंड घुटनों पर बैठ गया। उसकी आइज सिर्फ लंजा के बेली के ऊपर था। जैसे लंजा ने यह रिफ्लेक्शन मिरर में देखा, उसका पूरा बॉडी हॉट हो गया। उसने अपने आप को याद दिलाया कि विंग सिर्फ उसके बेबी को देखना चाहता है, बट कहने के उन दोनों को ऐसे देख के लंजा का पूरा बॉडी हॉट हो चुका था। देन विंग ने लंजा के ट्राउजर्स को थोड़ा सा नीचा किया ताकि उसका बेली कम्प्लीटली विजिबल हो एंड देन विंग ने लंजा के अंडर शर्ट को अनबटन किया एंड फाइनली लंजा का बेली अब विजिबल था। जब विंग ये सब कर रहा था, लंजा का नज़र सिर्फ मिरर के ऊपर था। वो उन दोनों को मिरर में देख रहा था एंड लंजा के अंदर सारे सीनफुल थॉट्स आ रहे थे। उसने अपने आंखें टाइटली बंद कर लिया। तभी उसको अपने बेली पे विंग के हाथ का वार्म टच फील हुआ, उसके साथ साथ विंग के किस भी। तभी लंजा ने अपने आंखें ओपन किया
एंड वो डिसबैलेंस हो गया तो दो स्टेप पीछे चला गया। ये देख के विंग ने स्माइल किया एंड लंचे को पकड़ लिया ताकि लंचा गिरे ना। देन विंग ने अपनी ईयर को लंचे के बेली पे रखा। विंग की ये टेंडर एंड केयरफुल साइड देख के लंचे इमोशनल हो रहा था। वो सोच रहा था विंग उसके साथ, उसके चैल के साथ कितना टेंडर है, कितना केयरफुल है। ये विंग बिल्कुल डिफरेंट है। उसे पता है आज कैंप में जो कुछ भी हुआ है इसके बाद विंग के बारे में और भी गॉसिप होगा, लोग और भी डरने लगेंगे और भी रूमर्स फैलाएंगे एंड कल बहुत कुछ होगा। बट लंजे यही होप करता है कि विंग का आइडिया काम कर जाए। लंजे ये सोच ही रहा था तभी विंग ने उनके बेबी को कहा, आज रात मुझे एंड तुम्हारे बाबा को डिस्टर्ब मत करना। हाँ, ये बोलकर विंग ने लंजे की तरफ देखा एंड देन वो खड़ा हुआ। उसने लंजे के वेस्ट को पकड़ लिया एंड उसने दूसरे हाथ को लंजे के चीक में रखा एंड उसके चीक में अपने हाथ को फहराने लगा एंड देन वो लीन्ड हुआ एंड वो लंजे के लिप्स में किस करने लगा। लंजे ने विंग के शोल्डर्स को पकड़ लिया एंड उसे और भी करीब खींचने लगा। विंग लंजे के लिप्स को लीक करने लगा एंड उसका दूसरा हाथ लंजे के पूरे बॉडी में ट्रैवल करने लगा एंड देन विंग लंजे को डीप किस करने लगा एंड लंजे भी किस में मेल्ट हो चुका था। एंड देन विंग ने लंजे के आउटर रोप को खोल दिया। लंजे ने भी सेम किया, उसने भी विंग के आउटर रोप को खोल दिया। देन विंग अपने हाथ को लंजे के पूरे बॉडी में फहराने लगा, उसके बॉडी के हर एक पार्ट को टच करने लगा। लंजे ने भी अपने हाथ को विंग के नेकेड चेस्ट पे रखा एंड उसके चेस्ट को एक्सप्लोर करने लगा। इसके वजह से विंग मोनिंग करने लगा। वो लोग कंटिन्यू किस करते हुए एक दूसरे के बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे एंड देन फाइनली वो दोनों अलग हुए। अलग होने के बाद वो दोनों जोर जोर से ब्रीथिंग लेने लगे। देन वो लोग बेड के पास गए। देन विंग लंजे को हॉर्डली टच करने लगा तो लंजे भी विंग के नाम से मोनिंग करने लगा। देन लंजे ने विंग के वेस्ट को पकड़ लिया, उसका हाथ विंग के बैक को एंड वेस्ट को एक्सप्लोर कर रहा था। तभी विंग ने लंजे के हाथ को रोक दिया और कहा, लंजा बहुत सारे स्कर्स है मेरे बॉडी पे। ये सुनते लंजे का दिल टूट गया। लंजे ने विंग के ही बातों को रिपीट करते हुए कहा, कभी कभी एक मैन को इंज्योर्ड होना चाहिए एंड अपने बॉडी में कुछ स्कार्स लेना चाहिए। उसने विंग के वही बातों को रिपीट किया जो विंग ने श्वेनु केव में कहा था। एंड देन लंजे ने विंग के चेस्ट के उस ब्रांड मार्क के ऊपर किस किया। इसके वजह से विंग के पूरे बॉडी में गुजबम्स आ गए। लंजे ने कहा, तुम्हारे बॉडी की ये स्कर्स तुम्हारे ब्रेवरी, तुम्हारे काइंडनेस एंड एम्पैथेटिक हार्ट के एविडेंस है विंग। ये सुन के विंग एक स्टेप पीछे चला गया एंड देन उसने लंजे की तरफ अपने बैक को टर्न किया एंड विंग के बैक को देखकर लंजे को रोना आ गया। उसके बैक में बहुत सारे व्हिप के स्कर्स थे जो कि हमेशा कपड़ों के बीच में छुपा रहता है। लंजा अपने हाथ को उस स्कर्स के ऊपर फहराने लगा। लंजा देख पा रहा था कि विंग का बॉडी अब कांप रहा है। लंजा हर एक स्कर्स को टच करने लगा एंड देन हर एक स्कर्स को वो किस करने लगा। फाइनली जब लंजा को लगा उसने हर एक स्कर्स को किस कर लिया है, उसने विंग के बॉडी को अपनी तरफ टर्न किया तो विंग के आंखों से आंसू निकलने लगा। लंजा ने कहा, विंग बहुत ब्यूटीफुल है। इसका रिप्लाई विंग ने किस से दिया। उसने लंजा को किस किया। देन उसने कहा, लंजा, ये बोलते हुए विंग रोने लगा। उसने अपने फर्ट को लंजा के फर्ट पर रखा और कहा, तुम बेस्ट हो लंजा, क्या ये ड्रीम है? क्या जब मैं उठूंगा तब मैं बुरियल माउंट्स में होऊंगा? लंजा ने कहा, ये रियल है। ये बोलकर लंजा ने विंग के नोज पे किस किया। इसके वजह से विंग हंस उठा एंड देन विंग ने लंजा को हक कर लिया। वो दोनों कुछ टाइम के लिए ऐसे एक दूसरे को हक किए खड़े थे, एक दूसरे के प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे थे। उन्हें बहुत ही पीस फील हो रहा था एंड देन धीरे धीरे विंग लंजा को फिर से हॉटली टच करने लगा तो लंजा ने मौन करते हुए कहा, विंग। विंग ने लंजा को अपने बाहों में उठा लिया और कहा, आज रात मुझे तुम्हारा केयर करने दो माई लव। ये बोलकर विंग ने लंजा को बेड पे लेटा दिया एंड देन विंग ने लंजा के लोअर गारमेंट्स को भी खोल दिया। विंग ने लंजा के कपड़ों को रूम के इधर उधर फेंक दिया। अब वो दोनों ही कंप्लीटली नेकेड थे एंड देन विंग भी लंजा के ऊपर आ गया। वो उसे किस करने लगा। किस करते हुए वो लंजा को बहुत ही हॉटली टच करने लगा एंड लंजा विंग के नाम से मोनिंग करने लगा एंड बेग करने लगा। ये देखकर विंग ने स्माइल करते हुए कहा, हैव पेशेंस लंजा।
एंड देन विन ने कुछ टाइम के लिए लंजा के बॉडी को टीज किया। एंड फाइनली लंजा के बहुत बेग करने के बाद विन ने लंजा के बॉडी को इंटीमेटली टच किया। उनका ये इंटीमेसी कुछ टाइम के लिए चला एंड देन फाइनली वो दोनों शांत हुए। लंजा भी विंग को टच करना चाहता था बट विंग ने उसे रोक दिया। विंग ने कहा, अभी हम सोएंगे क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। लंजा ने कहा, बट विंग, विंग ने कहा, अभी सो जाओ ओके, कम ऑन, हमारे पास बहुत टाइम है एंड तुम बाद में मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। ये सुन के लंजा ने कहा, याद रखना। ये सुन के विंग ने हंसा। दोनों लोगों ने अपने अपने कपड़े पहन लिया एंड एक दूसरे के बाहों में बेड पे लेट गया। लंजा का हेड विंग के चेस्ट में था। उसने अपने हाथों को विंग के ऊपर रैप कर लिया था। सेम एज विंग, विंग ने भी अपने हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया था। वो दोनों ऐसे एक दूसरे के बाहों में थे। विंग ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत वरिड किया है। ये सुन के लंजा ने पहले कुछ कहा नहीं। उसने अपने फेस को विंग के नेक पे रखा एंड रिलैक्स करते हुए कहा, ये बोलकर लंजा ने अपनी आंखें बंद कर लिया एंड विंग को टाइटली पकड़ लिया। एंड देन वो अपने मन ही मन में कहने लगा कि विंग उसके साथ है, उसके पास, एंड वो उससे प्यार करता है, वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा। यही बोलते बोलते वो भी सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।